बेअदबी मामलों में पंजाब पुलिस की सिट वालों FIR नंबर 128 गिरफ्तार 6 डेरा प्रेमियों को अज फरीदकोट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस वालों 7 दिन का रिमांड मंगन से 4 दिन के रिमांड से भेज दिता है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। अदालत की कार्रवाई तो बाद डेरा श्रद्धालुओं के वकील एडवोकेट विनोद मोंगा ने दसिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में जिन्ना डेरा प्रेमियों पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्हां खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं है। पुलिस वालों लाए जा रहे सारे दोष बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डेरा प्रेमियों के जो इकबालिया बयान की गल कही है वह पुलिस ने जबरदस्ती लिखवाए हैं। यह तो पंजाब पुलिस का तरीका ही बनया होया है कि पुलिस सियासी इशारों से ही अजिहे काम कर रही है। इस बाबत एडवोकेट मोंगा ने होर की कुछ किया आओ तुहानू भी सुनाउने आ। अज 128 नंबर FIR थाना बाजाखाना दे विच 6 बंदियां नू पंजाब पुलिस ने अरैसट करके पेश किया। उन्हां दा पुलिस रिमांड इन्हां ने 7 दिन का मंगया सी लेकिन मानयोग अदालत ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दिता। पुलिस रिमांड मंगन दे जिहड़े कारण सी उहनूं बड़ा सी सीरीअसली चैलेंज किया भी इस के तिने केसा की 63 नंबर FIR 117 नंबर FIR 128 नंबर FIR इन तिना केसा की तफतीश पहला CBI ने की सी और 7-8 किस्म के साइंटिफिक टैसट इन सारे मुलजमान के लैके तफतीश की सी और सारे टैसटा के कुछ इन वर्खिलाफ नहीं आया। कोई ऐसा तत्थ उदों CBI के इनवैसटीगेशन के नहीं आया जिहड़ा इन्हां नूं किसी ढंग नाल इस केस दे नाल रिलेट करता हो इनवॉल्व करता। CBI ने एन सिरे की इनवैसटीगेशन करके उस तो बाद क्लोजर रिपोर्ट पेश की सी, ठीक है। उस तो बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट नू डिस्कार्ड तो नहीं किया लेकिन यह कहता भी जो नवे सिरे तफतीश होगी वो CBI की जो इनवैसटीगेशन रिपोर्ट है वह नवी तफतीश का हिस्सा होगी। अज जो पंजाब पुलिस ने मुलजम पेश किए उन्होंने पुलिस रिमांड लैन के वास्ते बेनती की। पंजाब पुलिस दे कोल कोई मटीरियल नहीं सी जिहड़ा इस गल नूं शो करे भी ये दोषियों का इस केस नाल की संबंध बनता है जां किवें नोमीनेट किया उन्होंने। ये ठीक है भी एक पंजाब पुलिस का एक वर्किंग इस तरह की बन चुकी है और इन्होंने लिया के मुलजम लिया के खड़े करके अदालत पेश कर देने हैं। उही 4-5-10-20 वर्के लिख के झूठी सच्ची कहानी बना के कोर्ट में रिक्वेस्ट करनी है। अगर कोर्ट्स का भी ट्रेंड यह है भी चलो पंजाब पुलिस ने रिमांड की रिक्वेस्ट की है तो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए 2-4 दिन का रिमांड जरूर दे दो। यानी कि कह सकते हो पंजाब पुलिस वालों की पुख्ता आवेदन कोई पुख्ता सबूत पंजाब पुलिस को है नहीं है। रिमांड की बहस के दौरान पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर दलबीर सिंह SP CBI की इनवैसटीगेशन चैलेंज कर रहा जी। उन्होंने जोड़े टैसट कराए है वह ए नहीं करवाए वह नहीं कराए। मैं हैरान है भी एक पंजाब पुलिस का इंस्पैक्टर एक SP रैंक के CBI के इनवैसटीगेशन अफसर ए चैलेंज कर रहा है। CBI की जोड़ी रिपोर्ट है वह 7-8 साइंटिफिक टैसटा के बेस से उन्होंने सबमिट की सी। इन को कोई गवाह भी होनी जबानी गवाह भी है नहीं जो अच्छा ये कहे भी इन्हें ये बंद ने एक केस दे विच कोई जुर्म की सर किन्ना केस जिहड़ा हुण कोई जां अगली डेट 4 दिन दा पुलिस रिमांड मिलिया आ केस रह इस ते आरोप किस तरीके दे लगे हुण जिहड़ी FIR दर्ज होई सी आरोप ए ही आ। देखो ए FIR नंबर 128 ब्लाइंड FIR सी 15 दा वाक्या 15 तो लैके इन्हां ने अज तक इस केस दे विच कुछ नहीं कीता, ठीक है। पहला इहदी इस केस की तफतीश भी CBI कोल रही है। CBI ने थारो इन्वेस्टिगेशन करके ये जिहड़े इन्हां दे बरखिलाफ इन्हां नूं इनोसेंट पाया सीगा इन्हां दे बरखिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई सी और इसे करके इन्हां दीआं जमानतां भी हो गईआं सी। CBI ने CBI कोर्ट नूं फाइनल रिपोर्ट पेश करके इन्हां नूं क्लीन चिट देण दे वास्ते रिक्वेस्ट कीती सी। हुण उस तों बाद इन्हां कोले जनवरी 21 दी इह तफतीश आई है। जनवरी 21 तों लैके हुण तक इन्हां दे पल्ले पंजाब पुलिस दे कुछ नहीं है जिहड़ा इह शो हुंदा होवे भी कोई जबानी गवाह हो जिहड़ा ये कहे भी मैं इन्हां नूं ये जुर्म करदे देखिया जां इन्हां ने किसे कोले मन्निया वी असीं ये जुर्म कीता
इस तरह का कुछ नहीं। नाल ही इस मौके 45 मेंबर हरचरण सिंह इंसा ने कहा कि डेरा प्रेमियों नु बिना वजह तंग परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेरा श्रद्धालु हर धर्म का सत्कार करते हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। 128 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੇ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।